सीएमएचओ कार्यालय में महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न शिकायत करने पर सीएमएचओ ने कार्रवाई की जगह दिया मामले को दबाने के निर्देश। दुर्ग छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न का जामगड़े ने महिला कर्मचारी पर उसकी गर्लफ्रेंड बनने का दबाव बनाया। जब महिला ने इसकी शिकायत सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मेश्राम से की तो उन्होंने मामले को वहीं दबाने का निर्देश देते हुए शासकीय आदेश मानने की बात कही। इसके बाद सर डॉक्टर एस के जामगड़े के द्वारा ना मुझे कुछ बातों से मुझे इरिटेट किया जा रहा था, मतलब कि सर जैसे कि वो मेरे पास आके बैठते थे है ना, फिर मैं बोलती थी हटो सर, तो बोलते थे अरे नहीं तुम्हारे पास में और कोई आके बैठे तो तुमको बुरा नहीं लगता, ऐसे गंदी बातें किया करते थे, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे क्या ऐसा वैसा, तो उस चीज़ों का मैंने विरोध किया सर कि सर मुझे ये सब पसंद नहीं है आप मत किया करो करके, तो दो तीन बार ऐसा कुछ कमेंट्स करते थे और जब मैं उनको बोलती थी तो बोलते थे अरे मैं तो मस्ती मज़े में करता हूँ, तो सर मजाक एक लिमिट से होता है, आप इस तरीके से किसी महिला के साथ मजाक नहीं कर सकते। उसके बाद फिर सर वो फिर मैंने उनको वार्निंग दी तो वो मेरे को चैलेंज किए कि मैं तुमको कमरा नंबर 4 में लेके आऊँगा और तुम्हारे सेक्शन से भी हटा के रहूँगा, तो सर फिर उसके बाद उसके 10 दिनों के अंतर्गत मैक्सिमम 10 डेज के बाद सीमो सर के द्वारा ऑर्डर किया गया कि आपका कक्ष जामगड़े सर के कक्ष में किया जाता है 4 नंबर पर उन्हीं के बाजू वाले टेबल पर और आपका सेक्शन भी चेंज किया जाता है, तो सर इससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि वो जो चैलेंज किए थे वो उन्होंने पूरा किया, ठीक है, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि सीमो सर ऐसा करेंगे करके, लेकिन फिर भी सर मैं सीमो सर के पास ना उस ऑर्डर को लेके गई और मैंने उनको बोला कि सर मुझे कमरा नंबर 4 में नहीं बैठना है क्योंकि मुझे नहीं बैठना है करके, तो वो बोले कि नहीं नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा और अगर नहीं बैठोगे तो मैं एक्शन लूँगा, और सर ये बातें अगर उनके कमरे में भी कैमरा है लेकिन वो कैमरा डिस्कनेक्ट करके रखते हैं सर, नहीं तो ये चीज़ें भी आज खुले पे सामने आ जाती है ना। उसके बाद फिर सर उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बोला कि नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा, तो सर इससे मैं टॉर्चर हुई और टॉर्चर होने के बाद ना फिर उस ऑर्डर को लेके मैं DHO सर है हमारे जो हमारे नोडल है सर डॉक्टर सतीश कुमार मिश्राम उनको लेके गई, मैं बोली ठीक है सर आप मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं मैं बैठ जाती हूँ लेकिन मैं कल से बैठूंगी मैं आज मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ अपना बाहर लेने के लिए, तो उतने में ही जामगड़े सर बोलते हैं नहीं तुमको तो बैठना ही पड़ेगा आज ही पैर आज ही तुमको बैठना पड़ेगा आज ही तुमको कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा, और ये बदतमीजी ना सर उन्होंने बहुत बहुत गंदे तरीके से की थी और उस वक्त ना पूरे ऑफिस में 10 कर्मचारी वहाँ पर बैठे हुए थे है ना, बहुत लोग बैठे थे उनके सामने उनने ऐसा किया है सर, अब मैं बोलूँगी नहीं कि कौन गवाह देगा क्या देगा मेरे को नहीं पता लेकिन ना बहुत लोग थे, उसके बाद मैंने उनको सुना दिया सर कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगी ऐसे करके और बोल के मैं ऊपर आ गई, और जब मैं रोते हुए नीचे उतरी ना तो वो जस्ट पीछे आए हैं सर जिसका वीडियो क्लिपिंग है मतलब कैमरे फुटेज है उसका है ना, तो कैमरा फुटेज है तो वो फुटेज भी उनके SP सर के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है, और क्या बोलते हैं उस फुटेज में सर वो मेरे पीछे आए हैं और उनने मेरे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, उस समय भी कार्यालय पे बहुत लोग उपस्थित थे जो फुटेज पे दिख रहे हैं, उनने मेरे से बोला कि मैं तुम्हारे पैर पड़ के माफ़ी मांगता हूँ तुम जैसा चाहोगी वहाँ बैठना लेकिन प्लीज़ आगे कोई कार्रवाई मत करना मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, लेकिन मैंने उनका विरोध किया सर कि नहीं अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है अब मैं नहीं रुकूँगी अब मैं लड़ाई शुरू कर दी हूँ सर तो अंत तक तो मैं करूँगी ही है ना, ये अत्याचारी बहुत हो गया सर, ये अधिकारी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं और सोचते हैं कि हम लोग उनके पैर की जूती हैं करके, हर समय यही नहीं चलेगा सर, और बहुत पहले भी ये सब हो चुका है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाया सर, इसलिए सारी चीज़ें कभी ऊपर नहीं आती, लेकिन मैं तो आवाज़ उठाऊंगी और इनको सबक सिखा के रहूँगी। ऑफिस में कब से पदस्थ है और अधिकारी के साथ कब से काम है सर? देखो ऑफिस में तो मेरे को 6 साल हो गए हैं है ना, अधिकारी के साथ सर मेरे को मैक्सिमम मेरे को याद तो नहीं पर 1.5-2 साल तो हो गया सर उनके साथ। उनका व्यवहार क्या बाकी लोगों से भी ऐसा कुछ रहा ऐसा कुछ लगा है? अब बाकी लोगों का तो मेरे को नहीं पता सर, लेकिन सुनने में कभी कभी आया था मेरे को कि और भी ब्लॉक में इनकी कुछ कहानी है ना जी, जैसे पहले ये धमधा में पदस्थ थे तो शायद वहाँ से भी, मेरे को क्लियर नहीं पता सर क्योंकि उस टाइम मैं नहीं जानती, सुनी सुनाई बात को बता रही हूँ मैं कि धमधा में भी इनने किसी के साथ ऐसा कुछ किया था तो वहाँ से हटाया गया था, फिर सुपेला में भी इनने कुछ किया था तो यहाँ हटाए थे, और बहुत ऐसी लड़कियाँ मेरे को अभी कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम आपने जो किया सही किया हमारे साथ भी ऐसा हुआ था हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तो मेरे को बहुत लोगों से ऐसा सुनने में मिला है कि इनका नेचर ही ऐसा है करके, लेकिन मुझे अपने सिमुचे सर से ये शिकायत है सर कि जब ये पूरी घटनाएँ हुई ना मैं उनको शाम 4 बजे कॉल करी और दूरभाष के संपर्क से ना मैंने उनको पूरा घटना बताया,
उनके द्वारा मुझे उम्मीद थी कि कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा मुझे ये कहा गया कि आप इस घटना को दबा दें, आप बात को यहीं ख़त्म करें और आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे, मुझसे बोल दिए बस ख़त्म करिए और सेटलमेंट करके बात को यहीं ख़त्म करते हैं। सर वो अधिकारी होने के नाते उनको एक एक्शन लेना चाहिए था। मैंने उनको बोला भी शाम 4 बजे आप जामगढ़े सर को बुलाइए, मुझे बुलाइए और हम दोनों को आमने सामने करके पूछिए कि मुद्दा क्या है और इसको अपने कार्यालय में ही सॉर्ट आउट कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया सर, कोई एक्शन नहीं लिया, मेरी बातों को अनदेखा किया गया, इसीलिए मैंने फिर ये कदम उठाया। शिकायत के बाद देखिए सर बहुत बड़ी कार्रवाई तो नहीं हुई है ना, उनको बस अपना मूल पदस्थापना भेजा गया है, वो मेरे लिए कोई मेरे न्याय मेरे से नहीं हुआ है मेरे लिए। उनको तो मैं बोली थी कि या तो फिर महिला एक्ट में जो नियम है उसके तहत तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल तो उनको निलंबित किया जाना था सर, और अगर मैं अभी FIR दर्ज करती तो वो निलंबित होते ही है ना। हाँ सर, अगर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर तो मैं भी FIR दर्ज करने के ही मूड में हूँ। मामला विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए। कल मेरे पास 3:30 बजे ये मामला संज्ञान में आया था और इस पे मैंने जो है तुरंत संज्ञान लिया, मैंने इस पे मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ, उसके अनुसार से मैंने ये विशाखा कमेटी जो है हमारे यहाँ पर उन्हें सूचना दी कि आप जल्दी से इनको बुलाइए और बुलाने के बाद इनका बयान लेकर के इसकी रिपोर्ट बनाइए। उन्होंने बयान बना लिया है उनका सबका और रिपोर्ट उनकी बना के दी है कि इन्हें एक स्थान पर नहीं रखा जा सकता, तो कृपया इनके स्थान बदल दें। तो मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए कल शाम को ही डॉक्टर जामगढ़े को उनके मूल पदस्थापना स्थल जो है सुपेला अस्पताल वहाँ के लिए रिलीव कर दिया। ठीक है सर, इसके अलावा घटना के बाद हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा महिला कर्मचारी काम करती है और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। यदि कोई किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग भी करता है तो हम उस पर हमारी विशाखा कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन आने पे हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। सस्पेंड वाली कार्रवाई भी कभी देखने को मिली कि इस तरह के केस में? नहीं, इस पर जो कार्रवाई होती विशाखा कमेटी जो रिकमेंड करती है उसी के अनुसार से ही कार्रवाई निर्धारित।